होप्स बीइंग ग्रेट एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस पास्ट सिंपल टेंस। देखिए अभी आप लोगों ने आज तक के जितने भी वीडियोस देखे होंगे उसमें आपने देखा होगा कि टेंसेस थ्री टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पास्ट सिंपल टेंस के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट के चारों पार्ट कंप्लीट कर लिया, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे पास्ट सिंपल के बारे में। तो पास्ट सिंपल टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपकी रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग में। अगर आप इस टेंस को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको आगे के टेंस समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आर यू एक्साइटेड, आर यू रेडी? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। देखिए अगर हम बात करें पास्ट सिंपल और इसी का और एक नाम होता है इंडेफिनिट। क्या होता है? इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट मतलब होता है कोई डिसाइडेड नहीं है, उसे हम इंडेफिनिट कहते हैं। अब ये सिंपल नाम से तो ये लगता है सिंपल, लेकिन इसका काम बिल्कुल भी नहीं है सिंपल। ओके, इसके अगर हम रिकॉग्नाइजेशन की बात करें तो हिंदी वाक्यों के लास्ट में या था, ई थी, ए थे, या, ई, ए, ता, था, ते थे, थी, ई, इत्यादि। अब ये सब वर्ड आपको लास्ट में देखने मिलेंगे, लेकिन मैं आपको ना इसके लिए एक बहुत इजी वाली ट्रिक बताता हूँ। एक गाना याद आएगा आपको, आ आ ई ओ ओ ओ। अगर ये सारे वर्ड्स जो हैं अगर किसी सेंटेंस के एंडिंग में दिख जाते हैं तो आप उसको इजीली बोल सकते हो कि पास्ट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस है। क्या? आ आ ई ओ ओ ओ। ओके, अब देखिए अगर जैसे एग्जांपल देखें, वह स्कूल में पढ़ता था, लास्ट में क्या आ रहा है बताइए जरा? इसमें आ रहा है ता था, ठीक है? तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। वह चाय पीती थी, तो हैबिट ऑफ पास्ट, ती थी आया, ठीक, तो भी पास्ट सिंपल। रहते थे, तो भी आया, हम इस घर में रहते थे। तो इस भी सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट में क्या आ रहा है? ते थे, जो क्या है हमारा पास्ट सिंपल है। उसने नहीं नहाया, लास्ट में क्या आ रहा है? या वर्ड आ रहा है, जो क्या है? पास्ट सिंपल टेंस है। सपना स्कूल नहीं गई, लास्ट में क्या आ रहा है? ई वर्ड, तो ये भी क्या है आपका? पास्ट सिंपल टेंस है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए रिकॉग्नाइजेशन के अगर रूल की बात करें तो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, आ, ई, ये आदि शब्द जो है आपको ये हिंदी सेंटेंस में देखने मिल जाएंगे। अगर एक और तरीके से अगर हम इसको समझना चाहें तो इस टेंस में हमको क्या होता है ना, पास्ट में जो काम हो चुका है अब वो जस्ट थोड़ी देर पहले हुआ है या बहुत टाइम पहले हुआ है, आई डोंट नो कि वो कब हुआ है। ओके, तो ऐसे कामों को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, या पास्ट के इंसिडेंट बताने के लिए या पास्ट की घटनाओं को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। चलिए अगर हम इसमें देखें कि हेल्पिंग ऑफ कौन सी यूज होगी, तो देखिए इसमें एक हेल्पिंग ऑफ यूज होती है डिड। क्या होती है? डिड, जो आपकी हिडन होती है, जो आपकी क्या होती है डियर दोस्तों, जो आपकी हिडन हेल्पिंग ऑफ होती है। कैसी होती है आपके लिए? ये आपके लिए हिडन होती है। अब हिडन का मतलब है कि ये आवश्यकता पड़ने पर ही सामने आएगी। इट मीन कि ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको नहीं देखने मिलेगा, या आपको नेगेटिव में देखने मिलेगा, इंटरोगेटिव में देखने मिलेगा, और आपके WH में आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं दिखेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड WH सेंटेंसेस में आपको ये देखने मिलेगी हेल्पिंग ऑफ। चलिए अब देखिए डिड हेल्पिंग ऑफ का यूज कैसे करेंगे। इस टेंस में सभी सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट आपके अगर से ही है, सी है, इट है, किसी का नेम है, यू आ रहा है, वी आ रहा है, या दे आ रहा है, या फिर आपका आई आ रहा है, इन सभी सब्जेक्ट के साथ में आपको डिड हेल्पिंग ऑफ आप यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए अगर हम मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब की ये एक ऐसा टेंस है पूरे 12 टेंसेस में जहां पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की जाती है। कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की जाती है। लेकिन क्या होता है जब हम इसमें क्या बनाते हैं, जब हम इसका नेगेटिव या इंटरगेटिव बनाते हैं तो हम वहां पर सेकेंड फॉर्म को रिमूव करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इसका यूज हो रहा है। चलिए तो इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए ट्रांसलेशन के कुछ रूल्स होते हैं जो हम समझते हैं।
सबसे पहले किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट। आपको क्या लिखना होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट। चलिए यहां पर लिख देते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं सब्जेक्ट। ओके, रूल नंबर टू बोलता है कि इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। इस टेंस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। ओके, सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दिया। इसके बाद में हमको लिखना है ऑब्जेक्ट, तो लिख देते हैं हम लोग क्या, ऑब्जेक्ट लिख दिया हम लोगों ने। फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है, वो तो लगा ही देंगे। तो नीचे हम ना स्ट्रक्चर देख लेते हैं, हमने तो वैसे स्ट्रक्चर बना ही लिया, सब्जेक्ट वी टू देन ऑब्जेक्ट। तो देखिए समझते हैं स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या है पहले इसको जान लीजिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल के लिए वर्ब लेते हैं गो, गो की सेकेंड फॉर्म हो जाती है आपके सामने वेंट, थर्ड फॉर्म हो जाती है गॉन। तो हमको ये सेकेंड फॉर्म को यूज करना है, हमको क्या करना है यहाँ पर सेकेंड फॉर्म को यूज करना है। चलिए अब यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, अफर्मेटिव कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। राम ने मेरी मदद की, इस सेंटेंस में अगर आप समझना चाहें तो राम इज अ सब्जेक्ट हियर एंड इसने काम क्या किया है हमारे लिए, मदद करने का। काम क्या किया है इसने, मदद करने का। अब आप पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा टेंस है, लास्ट में क्या आ रहा है की, तो लास्ट में आ रहा है ये वाला ही, ठीक। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है आपका पास्ट सिंपल टेंस है। क्या कह सकते हैं आप, ये पास्ट सिंपल टेंस है। ओके, देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट है हमारे पास में राम, सब्जेक्ट लिख दिया। वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना है, वर्ब क्या है यहाँ पे, मदद करना। मदद करना को बोलते हैं हम हेल्प, तो हेल्प की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड। ओके, हेल्प्ड हो गई। उसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, मेरी, तो मेरी के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। ओके, राम हेल्प्ड मी। ओके, राम ने मेरी मदद किया। नेक्स्ट देखिए, मैंने उसे कह दिया, जैसे आप भी कई बार बताते हैं ना, मैंने उसको कुछ बोल दिया है, कह दिया, तो क्या हो जाएगा, देखिए सब्जेक्ट है मैंने, तो मैंने के लिए जाएगा आई। ओके, कहना, यहाँ पे कहने का काम किया गया, टेल, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड। ओके, आई टोल्ड। अब उसे, अगर यहाँ पे बॉयज की बात की गई तो हिम आएगा, और अगर गर्ल्स की बात कर रहे हैं तो हर आएगा। ओके, अब हमको डिसाइड करना है, वी हैव टू डिसाइड कि विच वन ऑब्जेक्ट विल बी यूज हियर। ओके, कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज होगा। चलिए, तो आई टोल्ड हिम या आई टोल्ड हर, मैंने उससे एक प्रश्न किया। देखिए सब्जेक्ट है यहाँ पर मैंने, प्रश्न करने का यहाँ पे क्या किया गया, काम किया गया प्रश्न करने का, तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई। प्रश्न करना को बोलते हैं आस्क, आस्क की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, क्या बन जाएगा, आस्क्ड। ओके, आई आस्क्ड। अब उससे, तो यहाँ पर फिर से क्या जाएगा, हिम या हर। अगर बॉयज से करेंगे तो हिम आएगा, गर्ल्स से करेंगे तो हर आ जाएगा। ओके, तो आई आस्क्ड। अब देखिए यहाँ पे हिम, आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, ऐसे ही बोल सकते हैं, या हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, मैंने उससे एक प्रश्न किया, तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट है मैंने। ओके, उससे है यहां पे हमारे पास में ऑब्जेक्टिव केस, एक प्रश्न हमारे पास में है ऑब्जेक्ट, और यहां पे पूछने का क्या किया गया है, काम किया गया है। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखिए आई आस्क की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी आस्क्ड अ क्वेश्चन टू हिम। ओके, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन टू हिम, मैंने उससे एक क्वेश्चन किया। तो यहाँ पे हम लोग देखिए सारे आंसर्स भी आपके सामने हैं, आप इससे मैच भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब समझते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हिडन वाली, जो है यहाँ पे डिड, तो डिड के साथ में क्या लगा देंगे, हम डिड नॉट लगा देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, और ये जो डिड नॉट है ये सभी के साथ यूज होगा। ओके, उसने खाना नहीं खाया, सब्जेक्ट कौन है, उसने, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट ही के साथ में क्या लगाना होगा आपको, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर डिड नॉट लगा दीजिए, लगा दिया आपने। अब खाना खाने का यहाँ पे काम हुआ है, तो खाना को बोलते हैं ईट। अब लेकिन यहाँ पर देखिए ईटिन नहीं होगा और ना ही एट होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो क्या देगा, ही डिड नॉट ईट, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट जो है फूड। ओके, ही डिड नॉट ईट फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैंने कुछ नहीं देखा, आप भी कई बार बताते हैं मैंने कुछ नहीं देखा, तो देखिए सब्जेक्ट हो आप खुद, तो यहाँ पे आ जाएगा आई, आई के साथ में नेगेटिव है तो क्या लगाना पड़ेगा, डिड नॉट। ओके, आई डिड नॉट, उसके बाद में देखना, देखना को बोलते हैं सी, अब कुछ, तो आई डिड नॉट सी एनीथिंग। ओके, एनीथिंग, आई डिड नॉट सी एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वो बाजार नहीं गया,
आप भी कई बार बताते हैं कि यार वो आज बाजार नहीं गया, तो देखिए ही के बाद में नेगेटिव है तो क्या जाएगा, डिड नॉट। उसके बाद में बताइए, देखो सब्जेक्ट लगा दिया, डिड नॉट लगा दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, गो टू। ओके, उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मार्केट। ओके, तो क्या बन गया एग्जाम्पल, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। ओके, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, तो आपको नेगेटिव समझ में आया होगा। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है हम लोगों को, डिड नॉट लगा देना है सिंपली, ठीक है। मैंने कहा मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड, आपने सेंटेंसेस नहीं बनाया, यू डिड नॉट मेक सेंटेंसेस। ओके, मैंने लिखा नहीं, आई डिड नॉट राइट। ओके, आपने सुना नहीं, यू डिड नॉट लिसन। ओके, यहाँ पे आंसर्स भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं इंटरगेटिव। इंटरगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनकी स्टार्टिंग हिंदी के वर्ड क्या से होती है, जिनकी स्टार्टिंग हिंदी के वर्ड क्या से होती है। तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब भी आपका सामने जाएगा। इंटरगेटिव का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, यही होता है ना। तो अब यही स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आया है हमारे पास में, डिड, फिर लगाया सब्जेक्ट, अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये लीजिए बन गया स्ट्रक्चर सेम, डिड देन सब्जेक्ट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। क्या आप मुझे भूल गए, तो देखिए यहाँ से क्या वर्ड से स्टार्टिंग हुई, आप यहाँ पे क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपके पास में इंटरगेटिव, मुझे क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ओके, भूलने का यहाँ पे क्या हुआ है, काम हुआ है, गए वर्ड आ रहा है कि पास्ट सिंपल टेंस। ओके, बना लें स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग अपने। चलिए तो देखिए इंटरगेटिव के लिए सबसे पहले क्या जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट आए हमको उससे कोई लेना देने नहीं है, डेट आ जाएगा, फिर लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आप, तो आपको इंग्लिश में बोलते हैं यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, भूलना, तो भूलना को क्या बोलते हैं हम लोग, फॉरगेट। ओके, डिड यू फॉरगेट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट क्या जाएगा, मी। ओके, देन क्वेश्चन मार्क, तो डिड यू फॉरगेट मी, क्या आप मुझे भूल गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, क्या तुमने फॉर्म भर दिया, हम भी कई बार बोलते हैं ना दोस्तों, क्या यार तुमने एग्जाम फॉर्म भर दिया, तो क्या जाएगा, देखो क्या तुमने एग्जाम फॉर्म भर दिया, यही मान के चलिए, डिड। उसके बाद तुमने, तो तुमने के लिए क्या जाएगा, यू, डिड यू। उसके बाद में आ जाएगी वर्ब, फील। ओके, डिड यू फील द फॉर्म। ओके, ये बन गया आपका सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, क्या आपने कुछ कहा, हम भी कई बार बोलते हैं क्या आपने कुछ कहा मुझे, क्या जाएगा, देखिए डिड आपका पहले आ गया, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट यू, उसके बाद में कहना, कहना को बोलते हैं से, ठीक। और यहाँ पर कुछ वर्ड आया जिसके लिए क्या जाएगा, समथिंग। ओके, डिड यू से समथिंग, क्या आपने कुछ कहा, डिड यू से समथिंग। ओके, क्या आपने मैंगो खा लिया, डिड यू ईट मैंगो। ओके, तो देखिए ये समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंसेस कैसे बनते जा रहे हैं, अभी मैं आपको होमवर्क में और प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी बहुत सारे देने वाला हूँ जो आप लोगों को खुद से बनाने, और मुझे लगता है कि आप लोग जरूर बना लेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आंसर्स भी हैं आपके लिए। अब देखते हैं हम लोग WH, WH में क्या होता है ना, कुछ कुछ बेसिक WH वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बहुत सारे WH वर्ड्स के बारे में बताया हुआ है। देखिए क्या क्या बताया मैंने आप लोगों को, जैसे आपका वॉट, ठीक है, वॉट का मीनिंग क्या होता है, क्या वर्ड, वैन, वैन का मीनिंग क्या होता है, कब, ठीक है, वाई, वाई का मीनिंग क्या होता है, क्यों। ओके, हु, हु का मीनिंग क्या होता है, कौन। उसके बाद में वेयर, ठीक है, वेयर का मीनिंग क्या होता है, कब, ओ सॉरी कहाँ, वेयर का मीनिंग क्या होता है, कहाँ, ठीक। इसके बाद में आप लोग ले लीजिए हाउ, हाउ का मीनिंग क्या होता है, कैसे, ये सारे आपके बेसिक WH वर्ड हैं। अगर क्या होता है बेसिक WH वर्ड्स में, अगर आपका कोई ये जो हिंदी वर्ड है क्या, ये तो हमने देखा था कि इंटरगेटिव में भी आ रहा है, बट क्या हो रहा था वहां पर, वो क्या वर्ड स्टार्टिंग में आ रहा था सेंटेंसेस में, और यहाँ पर देखिए ये बीच में आ रहा है, तो क्या होता है जब कभी भी कोई WH वर्ड में क्या जो है हिंदी का वर्ड, ये अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो ये WH स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनता है। और WH स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, इतना तो आपका इंटरगेटिव स्ट्रक्चर था हमने देखा था, उसके जस्ट पहले हम लोगों को क्या लगा देना, WH वर्ड लगा देना। तो देखिए क्या बन जाएगा, WH वर्ड देन डिड देन सब्जेक्ट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, करेक्ट है। चलिए बनाते हैं, मैंने क्या किया,
मैंने क्या किया, डब्ल्यू एच वर्ड क्या आ रहा है सबसे पहले ये बताइए, क्या वर्ड आ रहा है, तो क्या वर्ड के लिए क्या जाएगा, वॉट। ओके, उसके बाद में लगाना है डिड, लगा दीजिए डिड। फिर लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैंने, तो मैंने के लिए जाएगा आई। वर्ब क्या है यहाँ पे, कुछ करना, तो करना के लिए जाएगा डू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ है नहीं, तो ये बना व्हाट डिड आई डू, व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या किया। ओके, उसने क्या किया, तो देखिए फिर से क्या वर्ड आया आपका डब्ल्यू एच, तो लगा दो पहले डब्ल्यू एच वर्ड व्हाट। ओके, उसके बाद में लगाना है डिड, तो हम फिर से लगा देंगे डिड। फिर लगा देंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज है, ही आया है सब्जेक्ट। ओके, उसने, तो व्हाट डिड ही, उसके बाद में फिर से किया वर्ड आ गया आपका वर्ब, जिसके लिए क्या देगा डू, तो क्या बन गया व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। ओके, वह कहाँ गया, तो कहाँ के लिए आता है वेयर, डब्ल्यू एच वर्ड क्या जाता है हमारे पास में वेयर, तो वेयर। उसके बाद में क्या लगा देंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर डिड लगा देंगे, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही फिर से, क्या बन गया वेयर डिड ही, उसके बाद में जाने के लिए क्या आता है गो। ओके, तो वेयर डिड ही गो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, तुम वहां क्यों गई थी, तो यहाँ पर क्यों वर्ड है आपका डब्ल्यू एच, जो कि आपका वाई। ओके, वाई होता है। उसके बाद में फिर से लगा देंगे हम लोग डिड, देखिए डिड लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे यू। ओके, उसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या है जाना, तो गो। उसके बाद में देखिए वहां आया आपका ऑब्जेक्ट, तो वहां के लिए जाता है देयर वर्ड। ओके, तो क्या बना सेंटेंस, व्हाई डिड यू गो देयर, व्हाई डिड यू गो देयर, आप वहां क्यों गए थे, मैंने आपसे पूछा आप वहां क्यों गए थे, व्हाई डिड यू गो देयर, आप यहाँ क्यों आए थे, व्हाई डिड यू कम हियर। ओके, आपने ऐसा क्यों किया, हम भी कई बार बोलते हैं आपने ऐसा क्यों किया, तो क्या बनता है सेंटेंस व्हाई। उसके बाद में फिर से लगाएंगे हम लोग डिड, लगा दिया आप लोगों ने कंफर्म। उसके बाद में देखिए आपने सब्जेक्ट है आपका यू, फिर से लगा दीजिए। उसके बाद में आपने सब्जेक्ट लगा दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, वर्ब क्या है करना, तो करना के लिए जाता है डू, तो क्या बना सेंटेंस व्हाई डिड यू डू ऐसा। ठीक है, तो ऐसा को बोलते हैं इट, या तो फिर आप बोल सकते हैं सो, तो क्या बनेगा सेंटेंस व्हाई डिड यू डू इट, या व्हाई डिड यू डू सो। ओके, चलिए आंसर बता दूं मैं आपको, पूरे मैच कर लीजिए, सारे आंसर हमारे करेक्ट हैं। ठीक, तो ऐसे ही आप लोगों को ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं, जैसे आज तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू टुडे, पापा आज ऑफिस नहीं गए, फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे, आपने मुझे क्यों बुलाया, व्हाई डिड यू कॉल मी, तुम घर कब गए, व्हेन डिड यू गो टू होम, वह गिर गया, ही फेल, मैंने पैसे खो दिए, आई लॉस्ट मनी। ओके, मोहन नहीं आता था, मोहन डिड नॉट कम, 5 साल पहले मैं क्रिकेट खेलता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट बिफोर 5 ईयर्स, राहुल कोचिंग से चला गया, राहुल वेंट फ्रॉम कोचिंग, राधा यहाँ नहीं आती थी, राधा डिड नॉट कम हियर, हमने फल खाए, वी एट फ्रूट्स, वे मेरे घर आए, तो क्या बनेगा दे कैम एट माई होम। तो ये सारे सेंटेंसेस मैंने आपको जितने बताए 12 सेंटेंसेस, इनके आंसर्स आपको करने हैं, ये आपके प्रैक्टिस सेंटेंसेस है, या आप मान के चलिए कि आपका होमवर्क है, ठीक है, आज की क्लास का। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को सारे सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, डब्ल्यूएच, सारा आप समझ आया होगा, आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा और वीडियो से बहुत अच्छा नॉलेज गेन किया होगा। तो इसी आशा के साथ मैं वीडियो से विदा लेना चाहूंगी, बहुत जल्दी मिलूंगा मैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।